नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर और यह आपकी क्लास नंबर 3 है और ट्रेड थ्योरी की है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इससे पहले हमने आपको 25 क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। ये निमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें और आपको बताते हैं कि अब 26 से लेकर टोटल 55 तक कब क्वेश्चन हल करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अभी डिस्कशन जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करूँ जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, जहाँ पर काफ़ी अन्य मटेरियल भी यहाँ पर उपलब्ध कराया हुआ है। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे अगली क्लास में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो बताओ दोस्तों कौन सा आएगा, तो वो आएगा आपका संट जनरेटर। अब डीसी संट जनरेटर क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपको श्रेणी पूछे तो श्रेणी में क्या होता है, आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और उसके श्रेणी क्रम में आर्मेचर संयोजित होता है। ये तो किसकी बात हो रही है, आपके डीसी सीरीज की। अब संट की पूछ रहा तो आपका पहले तो आएगी संट फील्ड वाइंडिंग, फिर उसके समांतर क्रम में क्या आएगा आपका आर्मेचर, ठीक है, और इस प्रकार इसको सप्लाई दी जाती है, ठीक है, समझ गए। तो मेरे हिसाब से आपको समांतर क्रम पूछा गया है तो उसका आएगा डी संट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर में पोल सूख का उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों, एक तो आता है पोल और एक आता है दोस्तों पोल सू। अब पोल और पोल सू में अंतर क्या है दोस्तों, पोल होते हैं, पोल पर फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है, पोल सू क्या होते हैं, ये आपके पोल है और पोल के नीचे इस प्रकार ये पोल सू आते हैं। अब इसका प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, इसका प्रॉफिट यह है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना, एयर रूप में समान रूप से कैसे दोस्तों, एक पोल इधर आ गया, एक पोल आपका इधर आ गया, तो इसमें आपस में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा, तो यहाँ तक कि पोल सीमित है तो इसमें क्या होगा, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न कर सकता है। तो उसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। इसके अलावा इस पर जो आपकी फील्ड वार्निंग लपेटी जाती है, जो आपके पोल सू के कारण आगे नहीं जा पाती है, जिससे क्या होता है कि इसके उखड़ने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लटरिंग का क्या कार्य है। दोस्तों अब यहां पर आपके एक तो होती है स्लिप रिंग, एक होता है कम्यूटेटर, एक होती है स्लिप रिंग। दोस्तों स्लिप रिंग होती है वो क्या करती है, एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। कम्यूटेटर क्या होता है, सॉरी स्लिप रिंग होती है वो डीसी को एसी में करती है, कम्यूटेटर आपकी एसी को डीसी में करेगा और वो डीसी को एसी में करेगा स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका बी, यानी धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, यानी धारा को एक दिशा में, यानी एक डीसी है, यानी ओनली एसी को डीसी में चेंज करने का कार्य क्या होगा, ये भी आपका स्लिप रिंग का कार्य होगा। कुल मिला के आपका कम्यूटेटर और स्प्लटरिंग का कार्य एक है, स्लिप रिंग होती है वो आपकी डीसी को एसी में चेंज करती है। क्वेश्चन 29 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पिछली बार 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 ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों कार जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम कार्बन और ग्रेफाइट का मिश्रण काम में लेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका बी। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, यानी क्या कारण है कि डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, यानी अगर उसके हम घूमने की दिशा बदल देंगे तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा, तो राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक जनरेटर में योक और ध्रुव है, यानी उसकी बॉडी और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो बता दोस्तों चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होगा, तो वो होगा दोस्तों उसके आर्मेचर कोर से, क्यों, क्योंकि
आर्मेचर कोर की चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किसमें होता है? उसके दूरों से होता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के फलस्वरूप उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा यानी जनरेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? आर्मेचर कोर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो बताओ दोस्तों, आपका डीसी संट जनित्र है तो उसमें जैसे ही लोड बढ़ेगा तो उसके टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण ही उसका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाएगा? एक मिनट दोस्तों, हाँ उसका टर्मिनल वोल्टेज समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, 33 नंबर, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? यानी लंबी लाइनों के वितरण के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए आता है आपका संचयी यौगिक जनरेटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, यानी राइट आंसर क्या आएगा? डी। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों वह होती है आपकी रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना, यानी हम अगर उसको गर्म हवा देंगे तो उसकी नमी सोख लेगी यानी नमी समाप्त हो जाएगी, जैसे नमी समाप्त होगी तो उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध ऊंच हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है? यानी अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में हम कौन सा जनरेटर काम मिलेंगे? तो वह होता है दोस्तों आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेट एक्साइटर जनरेटर, यानी आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, 36 नंबर, क्वेश्चन क्या है? आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन से जनरेटर प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए हम विभेद यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। स्थिर गति प्राप्त करने के लिए संट जनरेटर, यानी आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसके लिए हम आपका संट जनरेटर काम लेंगे, और श्रेणी जनरेटर काम लेंगे यानी बूस्टर के रूप में हम श्रेणी जनरेटर काम में लेंगे। क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर में तरंग वार्निंग का मतलब दोस्तों वेव वार्निंग की विशेषता क्या है? तो बताओ दोस्तों वेव वार्निंग की विशेषता क्या आएगी? तो दोस्तों वेव वार्निंग होता है अधिक वोल्टेज और कम धारा, तो इसका राइट आंसर कम धारा उच्च वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? सी। अगर यही वार्निंग आपको लेप वार्निंग पूछ लेता तो लेप वार्निंग में क्या होता है? उच्च धारा व कम वोल्टेज, यानी तब उसका आपका बी आंसर होता, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? यानी जो ये प्रतिरोध तार उपयोग किए गए हैं इनका मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों धारा दिशा का आसानी से पलटना। राइट आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बताओ दोस्तों ठोस पोल शू का उपयोग क्यों करेंगे? तो इसका राइट आंसर आएगा चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या आएगा? डी। यानी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस यानी अवरोध को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? योक यानी उसकी बॉडी बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा रोल्ड स्टील, यानी रोल्ड स्टील का हम बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योक बनाने के लिए उपयोग करेंगे।
41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो बताओ दोस्तों स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, क्या करता है, एक दिशा में आउटपुट बनाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो बताओ दोस्तों किस में होगा, तो पल्सेटिंग वोल्टेज या दोलन वोल्टेज, और सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यक्ष वोल्टेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी आपका डीसी जनरेटर में हमेशा कौन सा वोल्टेज गतिशील रूप से होगा, तो वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 43 से दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों आपका है अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों ये अंदर के स्लॉट, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, कुंजी यानी इसमें चाबी को फंसाया जाता है उसके द्वारा ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका 44 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, डीसी जनरेटर में फील्ड कोइल का उद्देश्य क्या है? तो बता दोस्तों फील्ड कोइल का उद्देश्य क्या होगा, तो वह दोस्तों कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, राइट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी बड़ी डीसी जनरेटर की मशीन के पोल होते हैं, उन्हें बनाने के लिए हम किस धातु के पोल काम में लेंगे? तो दोस्तों वो होता है आपका डलवा लोहा, डलवा इस्पात यानी कास्ट स्टील, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 46 होगा दोस्तों, और 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? यानी डीसी मोटर के जो पोल होते हैं उन्हें प्रचलित यानी लेमिनेटेड करते हैं, तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं? तो दोस्तों वो होता है आपकी भंवरदार या हानि को कम करने के लिए हम उसको प्रचलित करते हैं, यानी लेमिनेशन लेमिनेटेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हमेशा डीसी शंट जनरेटर काम में आता है, बूस्टर के रूप में श्रेणी जनरेटर काम में आता है, और आपका जो यह है आर्क वेल्डिंग के लिए विभेदक यौगिक जनरेटर काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वार्निंग का उद्देश्य क्या है? यानी डीसी जनरेटर होता है वहाँ पर कंपनसेटिंग वार्निंग क्यों की जाती है? तो दोस्तों वह आपके विचुंबकीय के प्रभाव को बेअसर कर देता है, यानी विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही कंपनसेटिंग वार्निंग स्थापित की जाती है, तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है तो इसमें क्या होगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल है, यानी अगर क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाएगा तो वह वोल्टेज बनाने में असफल हो जाएगा यानी विफल हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो बताओ दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, यानी राइट आंसर क्या आएगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 51 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर के साथ चार पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर 1500 आरपीएम की गति से चलता है, फ्लक्स पोल 0.007 है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करो। तो दोस्तों उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको ईबी बराबर 5ZN/60
और पी ए ये सूत्र लगाना है, इसमें मान रख देना। जब आप मान रखोगे तो उसका राइट आंसर आएगा 357 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अच्छे से हल करना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों ऐसी आगे क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करेंगे, यानी राइट आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए, यानी कौन सा प्रभाव होगा अगर इसको हम लंबे समय तक बंद रखते हैं। तो दोस्तों इसको लंबे समय तक बंद रखेंगे तो उसमें अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, राइट आंसर क्या आएगा, डी, यानी अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पोल, हाँ चार पोल डायनेमो में प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, 1000 आरपीएम, लैप वाइंडिंग कंडक्टर की संख्या 600, फ्लक्स पोल की संख्या वो। तो दोस्तों वही सूत्र लगेगा जो भी मैंने आपको ईबी बराबर बताया था 52 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या आएगा, 640 वोल्टेज आएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों यदि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों वह प्रभाव पड़ता है आपका प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है, राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका डीसी जनरेटर में, हाँ डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो बता दोस्तों डीसी जनरेटर में भारी स्पार्किंग का मुख्य रीजन क्या होगा, तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होगा एमएनएम और जीएनएम स्थिति बदल दी गई है, यानी एमएनएम और जीएनएम की दिशा बदल दी गई है, इसी कारण उसमें स्पार्किंग हो रही। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी, यह इसकी आंसर की है। तो मैं ये पीडीएफ फाइल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पूरे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।